हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कार्टियू किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की पापड़ी। यह एक बहुत ही टेस्टी स्नैक है और इसको हम 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं बेसन की पापड़ी बनाना। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे बेसन। ये लगभग 150 ग्राम है। इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूंगी नमक स्वादानुसार, 1/4 टीस्पून जितनी हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्ची हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। इसको हम हाथों से इस तरह से क्रश करते हुए डालेंगे, इसे खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। साथ में मिलाएंगे 2 पिंच हींग और थोड़े से हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मिलाऊंगी 1/4 कप ऑयल, ये हम मोयन के लिए डाल रहे हैं, और इसको अब हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसको हमें मोयन चेक करने के लिए इस तरह से हाथों से मुट्ठी बनानी है। अगर ये मुट्ठी बन रही है मतलब मोयन परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। बेसन को गूंदने में हमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें बहुत ही कम पानी लगता है। बेसन बहुत ही स्टिकी होता है इसलिए हाथों से ये चिपकता है। इसको हमें अच्छे से मिक्स करते हुए बहुत अच्छे से बाइंड करना है। अगर ये आपके हाथों में ज़्यादा चिपक रहा है तो इस तरह से हाथों से स्पून से हम इसको छुड़ा सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके एक टाइट डो इसका हमें तैयार करना है। ये देखिए इसका एक टाइट डो बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, हम डो को चेक कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए अच्छे से डो सॉफ्ट करेंगे, जिस तरह से हम रोटी के लिए डो को सेट करते हैं। ये देखिए दो अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने बॉल बना लिया है। पहले हम सारे डो के इसी तरह से बॉल्स बनाएंगे। ये आप छोटे बड़े किसी भी साइज के बना सकते हैं। ये देखिए सारे मैंने आटे के बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। इस तरह से ये बॉल लेंगे, इसको थोड़ा सा दबाते हुए दोनों साइड से ऑयल से ग्रीस करेंगे, और उसके बाद इसको हम इस तरह से बेलेंगे। ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है, ये थोड़ी सी मोटी थिकनेस का है। अब हम इसको प्लेट में रख लेंगे। बाकी बचे हुए बॉल्स को भी इसी तरह से पहले हम बेल के तैयार कर लेंगे। जब तक हम इनको बेलेंगे साथ साथ हम कढ़ाई में तेल को गर्म करने रखेंगे। ध्यान रखें अगर आटा ज्यादा सख्त होगा तो इसको बेलने में बहुत दिक्कत आएगी। आटा सॉफ्ट और लचीला होना चाहिए। ये देखिए इन सभी पापड़ियों को मैंने बेल लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इनको तल लेते हैं। कढ़ाई में तेल हमने पहले से गर्म करना रख दिया था, तेल गर्म हो गया है। अब हम इनको कढ़ाई में डाल देते हैं। इसको हम पहले एक साइड से तलने देंगे, जब ये तलकर थोड़े से ऊपर आ जाएंगे उसके बाद इसको टर्न करेंगे। इसको हम इस तरह से दबाते हुए तलेंगे। ये देखिए तलकर ऊपर आ गई है। अब हम इसको टर्न करेंगे। इसको टर्न करते समय हमें बहुत ही धीरे से करना है, नहीं तो ये टूट सकती है।
बेसन की पापड़ी को तलने में बहुत ही कम टाइम लगता है, इसको हमें ज़्यादा देर नहीं तलना होता है। ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से तल गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी बची हुई पापड़ी को भी हम तलकर तैयार कर लेंगे। ये सभी पापड़ी को तलकर मैंने निकाल लिया है। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है और आसानी से टूट रही है। इसी के साथ ये बेसन की पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।